शिवराज सरकार के दरमियान कराए गए पौधारोपण की कमलनाथ सरकार जांच कराएगी। 2 जुलाई 2017 को नर्मदा का झार सहित प्रदेश भर में 7 करोड़ से ज्यादा पौधे रोपे गए थे और इसमें गड़बड़ी की बात जो है उसको लेकर अब चौथी बार जांच होगी। वन मंत्री उमंग सिंघार के निर्देश पर वन मुख्यालय ने मैदानी व्रत अफसरों को जांच में लगा दिया है। इन अफसरों को व्रत बदल कर जांच करनी होगी। ये वही जांच है जिसके निर्देश वन मंत्री ने 10 दिन पहले दिए थे और 1 हफ्ते में जांच प्रतिवेदन मांगा था। उधर पिछली जांचों के आंकड़ों पर चर्चा करने वन मुख्यालय में बुधवार को बैठक बुलाई गई है और अचानक ये बैठक स्थगित भी कर दी गई। पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाने के लिए शिवराज सरकार ने 2 जुलाई 2017 को प्रदेश में अभियान चलाया था। इस दौरान एक साथ 7 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का दावा किया गया था, लेकिन 1.5 महीने बाद ही पौधारोपण में गड़बड़ी का मामला सामने आ गया। तब से लगातार जांचों का सिलसिला चल रहा है। शुरुआत की 2 जांचों में तो गड़बड़ी पकड़ में आई ही नहीं और जब वन मंत्री उमंग सिंघार ने खुद जंगल में उतरे तब पता चला कि 85% पौधे मर चुके हैं। पौधारोपण के लिए 60% गड्ढे ही खोदे गए।